जनपद पीलीभीत में पंचायत चुनाव के बाद अब चुनावी रंजिश के चलते पक्ष और विपक्ष के समर्थकों में खूनी संघर्ष और मारपीट के मामले पीलीभीत पुलिस लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव परिणाम के बाद लगातार चुनावी रंजिश के द्वारा मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। खूनी संघर्ष और मारपीट का ऐसा ही एक मामला कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम गुलरिया जाफरपुर से प्रकाश में आया है। प्रकरण पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह राठौर ने मीडिया संवाददाता के द्वारा जानकारी ली गई तो उन्होंने मीडिया संवाददाता को बताया है कोतवाली जहानाबाद में पुलिस चौकी शाही क्षेत्र के ग्राम गुलरिया जाफरपुर में चुनावी रंजिश के चलते पंचायत चुनाव में प्रधानी पद के हारे हुए प्रत्याशी वीरेंद्र गैंगवार पुत्र अंतराम महेंद्र और सुरेंद्र पुत्र डोरी लाल तथा अरुण कुमार पुत्र सुंदर लाल तथा जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक डॉक्टर ओमकार पुत्र राम प्रकाश प्रीतम राम पुत्र ओमकार बूटा सिंह पुत्र मोहन स्वरूप वीरपाल पुत्र लाला राम के बीच लड़ाई झगड़ा किए जाने के लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस को मिले हैं। दोनों पक्षों की ओर से घायलों का पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया गया है। पुलिस के द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर वीरेंद्र गैंगवार पुत्र अंतराम की ओर से धारा 323, 324 तथा बूटा सिंह पुत्र मोहन स्वरूप की ओर से धारा 452, 323, 504 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा उक्त मामले की जांच कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलड़िया जाफरपुर। थाना कौन सा? अच्छा, तो आपके गांव में आज कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है दो पक्षों के लोगों में, क्या मामला है ये पूरा? ये सर, मैं शौच के लिए अपने दूसरे वाले घर में गया था। मैं जिसमें रहता हूँ उसमें बाथरूम नहीं, लेटरिन नहीं, तो लेटरिन से मैं वापस आ रहा था तो ये कुछ लोग गिरीश चंद्र के समर्थक। गिरीश चंद्र कौन है? ये गिरीश चंद्र जीते हुए प्रधान है, मैं हार गया था सर, मैं भी चुनाव लड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इन लोगों ने मुझ पर घेर के हमला कर दिया, लोहे की रॉड से मेरे सर पे बार कर दिया, करीब 6-7 सेंटीमीटर की चोट आई गहरी और 6-7 टाँके सर भरे गए हैं। फिर मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, मैंने अपने साले को बुलवाया तो मेरी बेटी को मुझे लेकर मेरे साले थाना जहानाबाद गए थे। किन किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ में? डॉक्टर ओमकार, उनका बेटा राम प्रकाश, उनके भाई राम विलास, रामानंद, हरीश कुमार और देखो जयवीर, बूटा सिंह और रोहतास कुमार, वीरपाल, इन सब लोगों ने सर मेरे बच्चों को मुझे मारा पीटा। सब शोर सवाब हुआ तो सर सब बचाने के लिए आए। तो ये सब लोग प्रधान जी के समर्थक हैं? हाँ, प्रधान जी के समर्थक हैं। प्रधान जी का बेटा भी सर मौजूद था और उसके साथ 2-3 लड़के और थे, अमित कुमार, यशपाल राठौर का बेटा। तो आपने इस बात की कहीं शिकायत पुलिस वगैरह की? किस पुलिस वाले को शिकायत की हमने, किसी थाने वगैरह जाके शिकायत करी? थाने हम फोन लगाते रहे, पहले हम अपने घर से नहीं निकले, हमने सोचा कि चले जाएंगे तो थाने फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर हमने प्रधान जी को फोन करा तो प्रधान जी ने फिर थाने फोन करा, फिर पुलिस आई, पूर्व प्रधान। अच्छा, हाँ, उन्होंने सर पुलिस को बुलाया। तो कौन कौन किन किन लोगों की चोटें आई आपकी तरफ से? हमारे सर लोहे की रॉड से हमला करा था, बाकी फिर हम बेहोश हो गए, फिर हमें जानकारी नहीं है सर। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम सर न्याय चाहते हैं, हमारे साथ इस तरह की जाति ना हो, ना तो हमारे पिताजी हैं ना हमारे कोई भाई है, बिल्कुल हम अकेले हैं साहब, हमारी जान की रक्षा करवाई जाए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति। कहाँ की रहने वाली हो? गुलड़िया जाफरपुर। क्या हुआ था आज? आज हमारे पापा शौच के लिए गए थे हमारे दूसरे घर में, वहाँ से आ रहे थे और हम जा रहे थे, वहाँ हमारे पापा को मारने लगे सब लोग, हमने बचाया, हमारे पापा के सिर पे मारा, हमारे मुँह पे मारा, देखना पड़ेगा। कौन लोग थे वो? डॉक्टर ओम का राम प्रकाश बूटा सिंह। अच्छा, और जय और ये सब गांव के ही रहने वाले हैं तुम्हारे? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जेंदा देवी। कहाँ की रहने वाली हो? गुलड़िया जाफरपुर। थाना कौन सा पड़ता है? क्या बात हुई है, क्या चोट कैसी आई है? मैं यहाँ आपकी चोट कैसे लगी है? अरे हमें वीरेंद्र ने मारो, बहुत लोगों ने हमें मारो है। क्यों मारा? हमने वोट नहीं दे सर, कल भी हमारे घर पर चढ़ाई करी, आज भी हमको बहुत मारा, तो बहुत मारा हमको। तो वीरेंद्र प्रत्याशी थे क्या ये? इलेक्शन लड़े हार गए हैं। अच्छा, कहीं हमें वोट नहीं दिए इस वजह से मारा है? किन किन लोगों ने मारा है?
सुरेंद्र, अरुण, सुरेंद्र, महेंद्र, धीरेंद्र, अरुण, कौशल। तो आप यहाँ थाने में ही कार्रवाई हो रही है? नहीं, कुछ नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।